अब आपको सीधा ब्यावर लिए चलेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। विधायक भीम दूसरी तरफ में रावत जी, विधायक मसूदा राकेश पारी जी, मेरे चेयरमैन रामचंद्र चौधरी जी, वीरेंद्र पारी जी, मनोज चौहान जी, दिलीप चौधरी जी, रणदीप कुमार जी, श्रीमती लक्ष्मी अख्तर, हाजी प्रेम साहब, महेंद्र गुर्जर जी, राम महेंद्र गुर्जर, गोपाल भाई जी, डॉक्टर अमित चंद्रा जी, पारस पंच जी और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण भाई और बहनों नौजवान साथी, मेरी खुशी है कि आज जब मैं भी हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो मुझे गर्व हो रहा था कि मैं नए जिले ब्यावर में लैंड कर उससे अंदाज लगा सकते हैं। आपकी जो मांग नड्डे जी कह रहे थे मांग पुरानी थी, मेरे जहां से आजादी के बाद से ब्यावर वो जगह है जो जिला बन गया। लगातार यहां के निवासियों की भावना थी कि ये हमारा जिला में बने। मोहन लाल शर्मा जी थे, वो जमाने मंत्री थे, फ्रीडम फाइटर थे। आनंद मोहन शर्मा जी कई बार मिला, पिताजी मिला था, मैं बुजुर्ग थे। याद है मुझे कि जब कभी हम ब्यावर आते थे तो ब्यावर का एक अलग वाला था। कई बार पति ऐसा कहीं मैंने कहा आप तिल पट्टी तो बहुत फेमस है पूरे देश के अंदर, फेमस है। तो आपकी जो खासियत है वो आपको पर मैं जानता हूं कि ब्यावर की मांग बहुत पुरानी थी। ये जो अत्यधिक निर्णय किया है राजस्थान का, इसी जोड़ के देखिएगा आप, जब मैं कहता हूं कि मिशन 2030 मायने तो 30 के अंदर राजस्थान कैसा होगा, इसके सुझाव हम दे रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों के लिए। 1 करोड़ का टारगेट रखा है, ज्यादा होंगे उसके अंदर। कोई वर्ग हो, छात्र हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अनुभवी लोग हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई हो, सब अपने सुझाव दे। अभी मैं कह के आया हूं वहां पर दुदू के अंदर, दुदू के कलेक्टर अधिकारी है सांसद, मैं कह के आया वहां पर कि आप ये सोचो 2030 तक जो है दुदू आज है वो, और 2030 के अंदर दुदू क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, ये सपना बिहार के लोगों को देखना चाहिए। इतना बड़ा फैसला लंबे समय संघर्ष किया आपने, कई जिले बनते गए, जोधपुर बन गया, करौली बन गया, प्रतापगढ़ बन गया, बारा बन गया, पर कभी आगे नहीं बन पाए ब्यावर बन। और मेरे दिल में बात बचपन से थी, मैं नेश्वर के कार्यकर्ता था तब से थी, मैं इतना घुमाऊ एनएसयू अध्यक्ष के रूप में आता हूं घर में कि उन जगह देखता हूं, याद करता हूं, कस्बे थे, आंधी चलती थी, आज दिल्ली बन गए, आज जनवाल मुख्यालय बन गया, करौली मुख्यालय बन गया, धौलपुर बन गया, प्रतापगढ़ बन गया। अब सोचिएगा वक्त लगता है, आज जिला बना और कल कायाकल्प नहीं हो सकता, जानते हम लोग, परंतु प्लानिंग करेंगे। आज जिला बनने का मानना हुआ है, दूरियां कम हो गई, आम जनता को सुविधा चाहिए, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर फलोदी जिला बनाना है। आंधे चलती थी, आज जिले बन गए, आज जलावार मुख्यालय बन गया, करौली मुख्यालय बन गया, धौलपुर बन गया, प्रतापगढ़ बन गया। आप सोचिएगा वक्त लगता है, आज जिला बना
और कल कायाकल्प नहीं हो सकता, जानते हैं हम लोग, परंतु प्लानिंग करेंगे आज। जिला बनने का मानना हुआ है, दूरियां कम हो गई, आम जनता को सुविधा चाहिए, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, फलोदी जिला बनाया मैंने, फलोदी जोधपुर 220 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है। बार बार फलोदी बाप के लोगों का आना पड़ता था जोधपुर तक। कोटपुरी जिला बनाया हमने, कोटपुरी लोगों को जाना पड़ता था, जयपुर के अंदर बार बार आना पड़ता था। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हमने आप लोगों के विश्वास के आधार पर, आप लोगों का आशीर्वाद है, मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था और 3 बार मुख्यमंत्री, ये सोनिया गांधी जी की पहचान थी। 98 के अंदर पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, दर्शन सिंह साहब थे मुख्यमंत्री, वो 32 पे आ गए और हम लोग 156 पे आए थे। सोनिया गांधी जी ने मुझे अवसर दिया मुख्यमंत्री बनने का, मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस नेताओं ने विश्वास किया मुझ पर। हम चुनाव 2 बार नहीं जीता पाए, हार गए हम लोग। जनता माई बाप होती है, अंतिम फैसला जनता का ही होता है, हम जानते इस बात को, एहसास करते हैं, पर फिर भी कभी हमने काम करने की इच्छा शक्ति कम नहीं करी। हारने के बावजूद भी विपक्ष में रहे तो काम करते गए, वापस सरकार बन गई हमारी, फिर सरकार बनी आपने, फिर हार गए, पिछली बार फिर आपने आशीर्वाद दिया, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया। कहने का मतलब यह है कि जब 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मेरा अपना अनुभव भी है। मैं देखता हूं राजस्थान में, 50 साल पहले मैं NSC अध्यक्ष बना था, तब से मैंने राजनीति करना शुरू की। तो आप सोच सकते हैं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। मुझे आपके आशीर्वाद से अनुभव प्राप्त हुआ, उसको मैं आप लोगों की सेवा में अर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं एक एक पल जिंदगी का किस प्रकार राजस्थान वासियों की सेवा में निकले अंतिम सांस तक, किस प्रकार मैं अपने अनुभव का लाभ दूं आप लोगों को। अब मेरे लिए कोई पद कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए सेवा बड़ी बात है जो अंतिम सांस तक चलती रहेगी आपके साथ में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो फैसले किए हैं अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे, प्रदेश के किसी व्यक्ति को एक फाइनेंस सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, फाइनेंस के प्रिंसिपल ASCS फाइनेंस एक अधिकारी और होता होगा उनके साथ में, और मैं खुद, इसके अलावा किसी को भनक तक नहीं लगी 19 नए जिले बनेंगे और 50 जिले हो जाएंगे, 33 से 50 हो जाएंगे, किसी सोचा भी नहीं था। और जिस प्रकार मैंने फैसले किए हैं, चाहे ब्यावर की बात करें, चाहे आपका जिला बना अध्यक्ष जी निम्न थाना, बताइए आप, या जैसे कि बड़प्पन है, उन्होंने कहा नहीं निम्न थाना बनाओ आप, और साथ साथ में अध्यक्ष जी ने कहा संभाग बनना चाहिए मेरा, और बताइए आप, शीघ्र संभाग बन गया, पाली संभाग बन गया आपके पास में है, बांसवाड़ा आदिवासियों का क्षेत्र है, संभाग बन गया, ये क्यों बने हैं? दूरियां कम हो जाए, चाहे रेवेन्यू के काम हो, पुलिस का काम हो, पानी का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य, सब जिले बैठते हैं, मुख्यालय बैठते हैं, जिला अस्पताल मुख्यालय में होता है, सबके काम पड़ते हैं मुख्यालय से, दूर जाना पड़ता था, अब दूरी कम हो गई है, प्रशासनिक दृष्टि से गुड गवर्नेंस देने में आसानी रहेगी मुझे, सुशासन भी बहुत आवश्यक होता है, सरकार जितना अच्छा शासन देगी उतना महिलाओं का, नौजवानों का, छात्रों का, गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, जिसको राज की जरूरत होती ज्यादा, उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूँ अत्यधिक फैसला है, और मुझे याद है प्रतापगढ़ जिला बना था, जिला अनाउंस होने के 1.5 साल लग गया जिला बनाने के अंदर उनको, और मैंने 4 महीने के अंदर
तमाम जगह कलेक्टर बन गए हैं, एसपी लग गए हैं, डीएलओ लग गए, सब काम हो गया। इस प्रकार से कम समय के अंदर आपका ब्यावर जिला बन गया। बड़ी खुशी है, आज जो है अब आपका जिला हेडक्वार्टर बन गया। अभी जब नेशनल हाईवे बन गए थे उसके बाद में और महत्व कम हो गया ब्यावर का। ब्यावर के व्यापारी दुखी थे क्योंकि व्यापार कम हो गया। अधिकांश लोग जो शहर से होकर निकलते थे, होटल का उद्योग होता है, व्यापारी होते हैं, ठेले वाले होते हैं, बस स्टैंड पर ठेले लगते थे। जब आप निकलो ही नहीं उधर से, बाईपास निकल जाओ, तो स्वतः ही महत्व कम हो जाता है। इसकी पीड़ा आप सबको थी, मुझे इस बात का एहसास था। उस पीड़ा को खत्म करने के लिए मैंने कदम उठाया, एक झटके में आपको ब्यावर जिला बना के दे दिया मैंने। इस होटल इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके थोड़ा शांत रहे, कि आज मुझे खुशी है। राजस्थान अब हम सबको गर्व होना चाहिए। जिला बना, 50 जिले हो गए, बड़ा फैसला हुआ। इसी प्रकार से कई फैसले ऐसे किए मैंने, मेरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में एक साथ 19 जिले नहीं बने होंगे जो राजस्थान बने हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमने कई फैसले ऐसे किए हैं पूरे देश के अंदर, सिर्फ राजस्थान में हो रहे हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, और साथ में कानून बना दिया है सरकार ने, गारंटी दे दी है प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य की रक्षा की। ये सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गारंटी दी थी चार चीज़ों की। आरटीआई जो ब्यावर में ही शुरुआत हुई थी, उसकी ब्यावर में अरुणा राय जी विद्युत धरने बैठे हुए थे, यहाँ पर एक्टिविस्ट थे। मैंने एक छोटी सी न्यूज पढ़ ली थी सोलोजी दौरे में, सामने केंद्रीय मंत्री था उस वक्त में, कि ब्यावर धरना चल रहा है कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। मैंने वो बात पकड़ ली। फिर मैं जयपुर में था, शायद मैं पीसी अध्यक्ष बन गया था, वहाँ पर धरना चल रहा था इन लोगों के बाद में, ब्यावर के बाद वहाँ धरना हुआ। मैं धरने पर गया, मैंने बात समझी और मैंने कहा ठीक है, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो अब ये ध्यान देंगे। संयोग ऐसा बैठा, संयोग ऐसा बैठा कि 7-8 महीने बाद में मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। मैं बन गया तो फिर आप जानते हो, जब मैंने वादा किया था मैंने वादा निभाया, और सूचना का अधिकार जो है पहला देश में राजस्थान है जिसने कानून बनाया यहाँ पे। बाद में तो वो आगे बढ़ते गए, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और 14 नरेगा जो वरदान साबित हुआ देश के लिए। ये 4 कानून बनाए हमने, बनाया है राइट टू हेल्थ कानून बना दिया। तो आज राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून बन गया, वो इतिहास बना रहा है। आज राजस्थान के अंदर हमने गिग वर्कर्स का एक्ट बना दिया, आगे उबर ओला के एजेंसी आई, जोमेटो आ गई है, लाखों लोग लगे उसके अंदर काम कर रहे हैं, पर जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं उनको। आपको खुशी होगी, 4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल लिखा है, राजस्थान सरकार ने जो गिग वर्कर्स का एक्ट बनाया, वैसा हिंदुस्तान का हर राज्य में बनना चाहिए, केंद्र को सोचना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। न्यूयॉर्क के अपना अनुभव शेयर किया लेखक ने, वो जुड़ा हुआ था वहां के पत्रकारिता से, मुझे तो गर्व हुआ। राजस्थान का गिग वर्क एक्ट, अब गिग वर्क का मतलब लोग समझते नहीं है, मैं भी नहीं समझता था पहले। राहुल गांधी की यात्रा आई थी अभी, बाड़गड़ यात्रा, तो पहली बार गिग वर्कर जो लोग आए थे, आके उन्होंने बताया राहुल जी को ये स्थिति इतनी खराब हम लोगों की है, किस प्रकार हम कर्जे में डूब रहे हैं, किस प्रकार हालात खराब हो रहे हैं,
तब जाकर के उस दिन तय किया राहुल जी ने, सरकार हमारी एक एक्ट बनाए राजस्थान में, हमने एक्ट बना दिया, अब आप बताए इतिहास बन गया उसका। इस प्रकार से जो एक के बाद एक एक्ट बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसका अपना महत्व है। मिनिमम इनकम गारंटी बनाया हम लोगों ने, न्यूनतम आय कैसे हो, एक्ट पास हो गया असेंबली के अंदर। इस प्रकार से किसान भूमि नीलाम नहीं हो सके उस एक्ट हमने पास किया है, कोई कमी रखी नहीं है। हमने गाय मर गई थी, काम धेनु योजना बना रहे हम लोग, जल्दी लॉन्च करेंगे उसको, 40,000 का बीमा कर रहे हैं गाय का भैंस का किसानों के लिए। रामचंद्र भगवान बैठे हुए हैं, ये जानते देवी के अध्यक्ष हैं, तो उसका 5 रुपये पहले 2 रुपये थे प्रति लीटर अनुदान, सरकार बदली खत्म कर दिया अनुदान को, 2 रुपये किलो, 2 रुपये लीटर। हमने वापस उनको सरकार हमारी आई 2 रुपये की, अब 5 रुपये कर दिए। पर साथ में जो घी अभी जो लंबी रोग आ गया, कितनी गाय मरी, हमने हर गाय मरने वालों को प्रति गाय 40,000 रुपये दिए, अभी हमने DBT करी, हमने हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया गया, कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है करना चाहिए, कोई आगे आ ही नहीं रहा, हमने किया राजस्थान के अंदर। गौशालों को 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं हम लोग, नंदीशालों को दे रहे हैं 12 महीने दे रहे हैं। मैंने शुरुआत करी गायों के अनुदान की पिछली बार जब मैं सरकार में था। गाय माता की बात तो करने वाले आप जानते हो कि राजनीति करते हैं, हम सेवा का काम करते हैं गायों को लेकर, गाय हमारी माता है, उसी रंग से हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी अध्यक्ष जी करते एक के बाद एक ऐसे फैसले हुए हैं, नहीं है शिक्षा मंत्री थे तब ये पहली बार स्कूलें खोली गई, आज 6 लाख बच्चे पढ़ रहे स्कूलों के अंदर, लॉटरी खोलनी पड़ रही है वहां पर एडमिशन के लिए बच्चों के लिए। हमारे बच्चे, आज जमाना बदल गया है, कंप्यूटर मोबाइल फोन का जमाना है, हम 1,35,00,000 महिलाओं को, इतनी बड़ी मेरी बहने माता बैठी हुई है, मेरी खुशी है कि यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग में आई है, हम सबको एक एक घर में एक एक मोबाइल फोन दे रहे हैं, 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन देंगे। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री है उसके अंदर, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। कहने का मतलब है कि एक के बाद एक काम हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा भेज रहे, 1,00,000 लोगों को भेज रहे, महिलाओं को बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। इतने मैं कहना चाहूंगा, कर्मचारियों ने OPS लागू कर दिया, आज के कई फैसले ऐसे हो गए, RGSS की स्कीम दे दी कर्मचारियों को, फैसले हमारे ओलंपिक ग्रामीण अभी चल रहे हैं आपके यहाँ पर, मैं आया हूँ उसके लिए। आप बताइए, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में एक साथ में तमाम मुल्क के लोगों का आप आह्वान कर दो, आप लोग मैदान में उतरो और माहौल बनाओ बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। आप देखिए, आज पिछली बार 30 लाख करीब थे पंजीकरण हुआ, इस बार करीब 60 लाख का पंजीकरण हुआ है, 58,60,000 का पंजीकरण। आप सोच सकते हैं, महिला भी है, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, छात्र भी है, गांव गांव में खेल रहे हैं, ये जिला स्तर के आज मैच हो रहे हैं, प्रारंभ हुए हैं, करीब 30,000 बच्चे खेल रहे हैं अभी राजस्थान भर के अंदर। जो आगे बढ़ते बढ़ते पहले पंचायत में, फिर आए वो ब्लॉक में आए, अब वो जिले के अंदर आ गए, फिर स्टेट के अंदर मैच होगा। हर क्षेत्र में प्रोत्साहन दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन को भी, कोचिंग का व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए, ये जो इसमें बच्चे निकल के आएंगे टैलेंटेड, कोचिंग हो, ट्रैकिंग उनकी हो, ये व्यवस्था भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो राजस्थान में नए कदम उठाए हैं उसका अपना महत्व रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो काफी आगे बढ़ गया है, स्वास्थ्य सेवा आगे बढ़ रहा है, जल मिशन में घर घर नल लगेगा, गाँव वालों हिस्सा था 10% का इकट्ठा करने का, उसकी वजह सरकार देगी, बड़ा फैसला हमने किया है। इस प्रकार से चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट हो, तमाम काम हम लोगों ने शुरू कर दिए। जोधपुर में इंस्टीट्यूट बन रही है, फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है स्टार्टअप वालों के लिए,
फाइनेंशियल काम करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई हो, आईटी का लिंक किससे है, तो कहने की बातें बहुत सारी है। और तो उड़ान योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। हमने तय किया है कि प्रकृति की देन है महामारी, संपूर्ण महिला घूंघट में रहती है, बोलती नहीं घर के अंदर भी अपने, और बीमार पड़ती है बार बार, इन्फेक्शन होता है, बच्चा पैदा नहीं होता कई महिलाओं के, कैंसर रहता है उनको, साफ सफाई रहती नहीं है। हमने हिम्मत करके आज उड़ान योजना जो राजीव गांधी की महिलाएं हैं, गांव गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, हमारी बहनों को मैंने बुलाया, अभी 2.5 लाख महिलाओं से मैंने बात करी, अभी उन सबको राजीव गांधी की महिलाएं तो बनाएगी, नैपकिन बना रही है, आने वाले वक्त में पूरा काम हम सौंपेंगे, राजीव गांधी को सौंपेंगे, स्वयं सहायता समूह को सौंपेंगे। वो महिलाएं जो है 12 नैपकिन, जो अमीर लोग पैसे वाले काम देते हैं उसी प्रकार से 12 नैपकिन हमारी बहनें, हमारी बेटियां घर बैठे हुए 12 नैपकिन प्रति माह उनको मिलेंगे, ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। 600 करोड़ रुपये रखे हम लोग उसके लिए रखे हैं। संघर्ष किस बात का है, बीमार हो रही हमारी बहनें माताएं, कैसे काम चलेगा, जमाना बदल गया है, संघर्ष छोड़ो, घूंघट में कैद रहती है महिला, बोलती नहीं है, कब तक काम चलेगा ये। इतने में कहना चाहूंगा, कहने की बहुत सारी बातें हैं। अन्नपूर्णा योजना लागू की हमने, दालें शक्कर तेल वगैरह मिर्च मसाले बांट रहे हैं गरीबों को भी, मध्यम क्लास के लोगों को भी उनका लाभ मिल रहा है। 500 बच्चों को हम भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ये भी हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान है। सोच अम्बेडकर साहब गए थे विदेश, बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा थे, उन्होंने भेजा उनको जब वो छात्र थे, क्या बन के आ गए, वो संविधान निर्माता बन गए। हमारे बच्चे जाएंगे आज 50 लाख 1 करोड़ फीट लगती है वहां पर, वो पढ़ के आएंगे, वो साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, मानव संसाधन राजस्थान का पूरे देश के काम आएगा। इसलिए मैंने कहा है, अंत में कहना चाहूंगा, राजस्थान मॉडल स्टेट बन रहा है, हम चाहते हैं राजस्थान आने वाले वक्त में 2030 तक कम से कम राजस्थान देश के जो प्रथम श्रेणी राज्य है नंबर 1 बने, नंबर 1 नहीं बने तो कम से कम जो नंबर 1 के राज्य हैं देश के अंदर आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी, हम कम से कम उसी श्रेणी में भी पहुंच जाए, राजस्थान पहुंच जाए, इतना बड़ा जम करना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हमने कहा मिशन 2030 ये नाम दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि सब भाग लेंगे उसके अंदर, हम चाहेंगे कि उस रूप में हम आगे बढ़ें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। उसमें आप देखेंगे ब्यावर जिला बना है, जिला मुख्यालय की अपने कई कलेक्टर दफ्तर होगा, मिनी सचिवालय बनेंगे यहाँ पर, SP का ऑफिस बनेंगे, DM का ऑफिस बनेगा, तमाम तरह की सुविधाएं आपको जिला हेडक्वार्टर में मिलेगी, तेज गति विकास होगा, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। जो जिलों में विकास होता है मुख्यालय में वही आज झलक देखेंगे बिहार के अंदर। इस प्रकार की सोच के साथ हम चाहते हैं कि ये जिला बिहार जी का नाम है वो तेज गति प्रगति करे, जिले के निवासी सब लोग परिवार लोग आगे बढ़े, फले फूले, कामयाब हो जिंदगी के अंदर। इन्हीं कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।